My dear kids, I hope you all are fine. Our today's English topic is use of this and that. So first of all, we will discuss that where we will use this and that. We use this to point at a thing near us. हम this वहाँ use करते हैं जहाँ हमें अपनी पास की चीजों को point out करना होता है. We use that to point at a thing far from us. और हम That का प्रयोग वहां करते हैं जहां हमें दूर की चीजों को पॉइंट आउट करना होता है. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, एज यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर, एक बॉल दिखाई दे रही है आपको. दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है, आप देख सकते हैं. यहां हमने दिस का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यह पास में है. पास की चीजों के लिए हम दिस का यूज करते हैं. दिस इज अ बॉल. सेकेंड एग्जाम्पल है द सन, दैट इज अ सन, आप देख सकते हैं सन. हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सन दूर है, इसलिए हमने यहाँ दैट का प्रयोग किया है. दैट इज अ सन. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ट्री, दिस इज अ ट्री, आप देख सकते हैं ये एक ट्री है और इसमें हमने दिस का प्रयोग किया है क्योंकि यह पास में है. पास की चीजों के लिए हम दिस यूज करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दैट इज अ कप, कप देख सकते हैं आप यहाँ पर. हमने यहाँ दैट का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कप दूर है. दैट इज अ कप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है, आप देख सकते हैं. यहाँ हमने दिस का यूज इसलिए किया है क्योंकि पेंसिल पास में है. दिस इज अ पेंसिल. अब आगे चलते हैं, दैट इज अ काइट, आप देख सकते हैं यहाँ एक काइट है. दैट इज अ काइट, यहाँ हमने दैट का यूज इसलिए किया है क्योंकि काइट दूर है. दैट इज अ काइट. आई होप किड्स, दिस और दैट का यूज हमें कहाँ करना है यह आपको इजीली समझ में आ गया होगा. डू प्रैक्टिस इट एट योर होम. वी विल सून मीट विद अ न्यू टॉपिक. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.